शहर से हसेरिया बीमारी का प्रकोप पूरी तरह खत्म हो गया है। सारे पेशेंट्स नॉर्मल हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अमरीश सिंह निरोगी जी का कहना है कि जब तक इस शहर में यो मैन है तब तक इस शहर को कुछ नहीं हो सकता है, और उन्होंने यो मैन के नाम पे एक रोग निरोधी टीका लॉन्च करने की घोषणा की है। भाई वाह वाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मंत्री जी, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक, है ना बीना जी? बिल्कुल। और मैं क्या कहती हूँ, अगर हर घर में यो मैन जैसा एक बेटा हो कितना अच्छा हो। जी बिल्कुल। इस बार फिर से मेरे हाथ से बच के निकल गया ये यो मैन। अरे इस बार वो तुम्हारे हाथ से नहीं, तुम उसके हाथ से बच निकले हो बड़े। तुम्हारी जान के लाले पड़ गए थे इस बार। हर बार वो इसलिए बच जाता है क्योंकि वो तुमसे अचानक टकरा जाता है या फिर तुम उसके पास जाते हो। उसे अगर खत्म करना है तो उसे तुम्हारे पास बुलाना पड़ेगा, वो भी पूरी तैयारी करके। ओ, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं उसे इनविटेशन भेजूं कि आओ यो मैन, मेरे पास आओ मेरे हाथों से मरने के लिए। ऐसा ही कुछ बड़े, जहाँ शहद गिरता है वहाँ मक्खियाँ खुद ब खुद आती हैं बड़े। इसका मतलब समझा? क्या तुम्हें नहीं पता कि शहर में जब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है वहाँ वो जरूर आता है। व्हाट एन आइडिया छोटे, व्हाट एन आइडिया। मैं अभी पूछता हूँ P235 से कि मैंने उसे मिशन सौंपा था प्रोजेक्ट आज ही, वो कहाँ तक पहुँचा? उस बुड्ढे के पाँव तो कब्र में लटके हुए हैं बड़े, पिछले 10 दिन से वो तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट आरजी उसकी बेटी पूरा कर रही है। ओ या 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 राइट। रेडी पेट्रा। पेट्रा, सिर्फ पेट्रा। वो खूबसूरत भी तो है कि नहीं बड़े? लेकिन वो जितनी खूबसूरत है ना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। हेलो मिस्टर एग। हेलो प्रीटी पेट्रा। आज मुझे मेरे डैडी ने अपनी जगह। पेट्रा, प्रोजेक्ट आरजी का क्या स्टेटस है? यार बड़ी खराब आदत है इसकी, सीधा मुद्दे पे आ जाता है। Presenting the latest generation of robotic fighter, made of real stainless steel, fully operable from minimum 3,000 miles. Presenting the mighty gorilla. Pretty Petra. Hmm? Pretty impressive Petra. इसे मेरे सर्वर से कनेक्ट करो। इस डिवाइस से आप गोरिल्ला को ऑपरेट कर सकते हैं।
वॉइस कमांड एक्टिवेटेड, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, राइट किक, लेफ्ट किक, रोटेट. Roar. मुंबई वासियों, मेरे गोरिल्ला का स्वागत करने के लिए तैयार हो जा. अरे क्या भाई यारो, तुम आजकल दिखाई नहीं देते, जब देखो तब गायब रहते हो, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक. है पापा, यारो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है आजकल. उसको नहीं समझ में आ रहा, पिछले 1.5 घंटे से मम्मी जैकेट की जिप ठीक करने में लगी है, जबकि इतनी देर में तो पूरी पूरी ड्रेस डिजाइन हो जाए. बेटा बात यह है कि तेरी माँ तुझे अटका के रखना चाहती है ताकि तू फिर से ना भाग जाए कहीं. तो और क्या कर सकती है इसकी माँ? अरे दिख दिख के दिखता ही नहीं आजकल, पूरा पूरा दिन क्या करता रहता है तू? कुछ भी बोलती है मम्मी आजकल. क्या करता रहता हूँ, या तो आप दोनों के साथ होता हूँ या फिर अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ. हाँ हाँ, यारों के दोस्त है ना. सुन रहे हैं आप, अब मैं इसको घर से जाके कहीं नहीं जाने दूंगी, भले ही मुझे उन निठल्लों को झेल झेल के यहाँ क्यों ना झेलना पड़े, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा. ओके? नहीं. इंस्पेक्टर साहब, अरे मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया. बीच बाजार में ना हमारे कुर्ते की जेब कट गई है, देखिए. अबे यार, अरे तेरी जेब में कौन से स्विस बैंक के खजाने भरे पड़े थे, तू इतना चिल्ला रहा है? शक्ल देखी तूने आईने में? 15-20 रुपए से ज्यादा की औकात ना है तेरी. इंस्पेक्टर साहब देखिए जाना कि हम आप इतने जवानी सो के नहीं गुजारे हैं जो 15-20 रुपए लेके हम घूमते रहेंगे. अरे 35 रुपए थे हमारी जेब में, 35 रुपए एकदम ठो वाले. अबे अबे यार, तूने 35 रुपए के लिए मेरी लाखों की नींद खराब कर दी. अबे पता भी है तुझे, अरे दिन में सोता हूँ ताकि रातों को जाग सकूं यार. और रात को सोते हो ताकि दिन को जाग सको. आप इसी चक्कर की वजह से ना पूरी कानून व्यवस्था फटीचर हो गई है. बताओ एक क्या जमाना था कि लोग खिड़की दरवाजे खोल के आराम से सोते थे. यार, तो मैं कौन सा दरवाजा बंद करके सोया हूँ? मैं भी तो पुलिस स्टेशन का दरवाजा खोल कर सोया था यार. परेशान करने आ जाते हैं यार. इंस्पेक्टर साहब, अगर आपने फिर नींद लिया ना तो हम आपके सपने में आएंगे और रिपोर्ट लिखवाएंगे. तो भलाई यही है कि चुपचाप हमारी रिपोर्ट आप लिख लीजिए और हमारे 35 रुपए ढूंढ के लाइए एकदम ठो वाले. ऐसा है चतुर्वेदी, इंस्पेक्टर दुबे के अभी इतने पूरे दिन नहीं आए कि छोटे मोटी जेब कतरों के लिए वो अपनी लाखों की नींद आराम कर दे. अबे इंस्पेक्टर दुबे का भी एक स्टेटस है, एक लेबल है. बड़े बड़े क्रिमिनल और डाकू जो है ना, सरेंडर हो जाते हैं हमारे सामने. यकीन नहीं हो रहा ना? ना, नहीं हो रहा ना? बिल्कुल नहीं. वो देख, डाकू मान सिंह. अब इसको जानते हैं? अरे इसको कौन नहीं जानता है, ट्रेन लुटेरा डाकू मान सिंह है. अरे ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जिसको इसने लूटा ना हो. अरे तुम्हें पता है कि अपने देश में अक्सर ट्रेन लेट क्यों आती है? क्यों आती है? अरे इसकी वजह यह है. कैसे? अरे ट्रेन खुद में खुद आके के सामने रुक जाती है, मैं आ गई हूँ हमको लूटो और उसके बाद भी मैं जाऊंगी. एक बार बताओ कि ये यहाँ पर सरेंडर इसने क्यों किया? अरे सरेंडर थोड़ी किया है, पिज्जा डिलीवर करने आया था, हमारे सर ने पहचान लिया, पिज्जा को वापस भेज दिया और इसको यहाँ रख लिया. अच्छा, अरे हम तो जे सोच कर आए थे कि आज से लूटपाट बंद और पिज्जा डिलीवरी को काम फिर से चालू कर देंगे, लेकिन जय वे फिर से मानसिंह डकैत बना दो. और आज हम तो गारंटी दे रहे हैं, एक एक चुन के मारेंगे, कोई को नहीं छोड़ेंगे. यार गोली मार दूंगा.
तुम्हारी बंदूक कहाँ है? चाय वाला लड़का लेके गया कपड़ा फैलाने के लिए सर, उसकी माँ का हाथ रस्सी तक नहीं पहुंचता है सर। मानसी रुक जा। सर, डाकू मानसिंह भाग रहे हैं सर। अबे भाग यार, इधर भाग। इधर आओ। अरे उठाओ फोन, उठाओ। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर। जी, मैं इंस्पेक्टर दुबे बोल रहा हूँ, बांद्रा पुलिस स्टेशन से। सर, एक बुरी खबर है सर। जी सर, एक बुरी खबर है। हाँ सर, बहुत खतरनाक गोरिल्ला हमारे स्टेशन में घुसा है सर, और उसने ना कोहराम मचा रखा है सर। हाँ, आतंक मचा रखा है। और यही नहीं सर, उसने वो मानसिंह डाकू को फरार करवा दिया। जी सर। सर, आपसे गुजारिश है सर, आप बैकअप भेज दीजिए ना सर। जी सर, भेज जी। मैं तब तक क्या करूँगा? जब तक बैकअप नहीं आता, तब तक मैं वागमर एक नींद ले लेता हूँ यार। पुकारा और हम चले आए, ये दिल हथेली पर ले आए। अरे अग्रवाल जी, तुम गौर से पढ़ रहे हो पेपर, क्या कुछ खास लिखा है? अरे हाँ बेटा, आज के तो पूरे अखबार में योमैन के किस्से छपे हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। लिखा है कि योमैन ने मिस्टर एक्स के मच्छरों को मच्छर की तरह मसल दिया है। बेचारा मिस्टर एक्स कोमा में चला गया है, अब वो दोबारा कभी सर नहीं उठा पाएगा। न्यूज़ पढ़ तो ली, एक बार देख भी लेते हैं। अभी कल ही योमैन ने मुंबई को मच्छरों के आतंक से निजात दिलाई थी, और आज एक नए खतरे ने दस्तक दी है। आइए ले चलते हैं आपको बांद्रा पुलिस स्टेशन, जहां पे एक गोरिल्ले ने आतंक मचा के रखा है। जैसा कि आप सब अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बांद्रा के पुलिस स्टेशन पर एक गोरिल्ला ने हमला बोल दिया है। गोरिल्ला के पीठ पर एक एक्स का निशान है, जिससे कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो मिस्टर एक्स का पालतू गोरिल्ला हो सकता है। अभी अभी तो आपने कहा कि मिस्टर एक्स उठा उठा के अपना सर कभी नहीं उठाएगा, ये तो जो एक्स का बच्चा है ना, चुप नहीं होने वाला। हाँ यारों को तो लगता है हम सब लोग को मिलके साथ में चलना चाहिए। चलो चुपचाप बैठ जा। कहाँ चलो? और तू क्या करेगा वहाँ जाके यारो? तू थोड़ी ना कोई योमैन है, बैठा रहे चुपचाप। ओह माय डैड, यहाँ से जाने का कोई बहाना सोचना पड़ेगा। बहुत दिनों से वीडियो गेम नहीं खेला है छोटे, मैंने बहुत मन कर रहा है। सो लेट्स प्ले अ वीडियो गेम। वॉइस कमांड एक्टिवेटेड। अटैक मोड, गमला का हमला। सर, ये सर क्या हो रहा है दुबई? ये सब सर वो क्या है कि डाकू मानसिंह के साथ दो कैदी भी भाग गए सर। जी, और वो देखिए सर, ये सर गोरिल्ला देख रहे हैं ना सर, मेन दरवाजे पर वाचमैन बन के खड़ा हुआ है सर। ना बाहर से किसी को अंदर जाने दे रही है, और ना अंदर से किसी को बाहर आने दे रही है सर। देखो सर, Ah! Ah! Ah!
अरे सर देखा, सर देखा। अरे दुबे तुमको ये एक्शन क्यों नहीं लेते हो? अरे सर बैकअप टीम आएगी तभी तो कोई एक्शन लूंगा ना सर। अरे ये है तो इतना सारा बैकअप और हम जो तुम्हारे बैक में खड़े हुए हैं, तुमको अपना बम धमाका और बूम चाहिए क्या? वाघमारी मुझे तो लग रही है बहुत बड़ा डरपोक है यार। हाँ सर। इसका नाम वाघली नहीं भागली होना चाहिए था, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। मिस्टर गोरिल्ला आपकी भलाई इसी में कि आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा। अरे क्या कर रहे हो दुबे? क्या वो तुम्हारी भाषा समझेगा? वो जानवर है। अरे जानता हूँ सर, कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना, प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, वरना कल आप ही कहेंगे बिना वार्निंग दिए तुमने क्यों शूट कर दिया दुबे। यू आर राइट। वैसे हम भी जानवर को हर्ट नहीं करते हैं, उनके भी अपने अधिकार होते हैं भाई। अरे इधर दो यार। ये लीजिए। अरे मिस्टर गोरिल्ला मैं इसका सीनियर हूँ, इंस्पेक्टर वाघले। अरे फायर करो। शूट हिम। एक मिनट सर। शूट हिम। बहुत मजा आ रहा है छोटे, मुझे बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मैं बहुत बोर हो रहा हूँ बड़े। मजा तो तब आएगा जब इस गेम का दूसरा खिलाड़ी सामने आएगा, मिस्टर योमैन। उसी को सामने लाने के लिए तो ये गेम बनाया है मैंने छोटे। वो आएगा, आएगा और जरूर आएगा। करण अर्जुन में ठकुराइन वाला रोल तुझे मिलना चाहिए था। आएंगे मेरे करण अर्जुन, आएंगे। पता नहीं कब आएंगे। अभी अभी खबर मिली है कि गोरिल्ला के आक्रमण का फायदा उठाकर डाकू मान सिंह के साथ एक खतरनाक अपराधी बांद्रा पुलिस स्टेशन से भाग गया है। अब गोरिल्ले के साथ साथ डाकू मान सिंह को भी संभालना है, लेकिन यारो जाए तो जाए कैसे? जीजू। हाँ जीजू। अरे डडोली, अरे तुम्हारे जीजू बोल रहे हैं बेटा। देखो बेटा हमारी बात गौर से सुनो। क्या ना कि जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, अरे बेटा उसका ठो हो गया है और अभी क्या अभी जल्दी से उसको रिन्यू करवाओ, क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। क्या बोल रहे हो जीजू? अरे बेटा बात ये है ना कि हम बांडा पुलिस स्टेशन में अकेले फंस गए। ये काला करूटा गोरिल्ला है ना, पूरे पुलिस स्टेशन को हथिया के रखा है। क्या? जीजू चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ, प्रेम सब पकड़ा लेंगे क्या तू? अरे निठल्ला निकम्मा निकारा आवारा, अरे इसका तुम नाम ले रही हो? देख डडोली अगर तू कुछ करना चाहती है ना तो चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को फोन लगा, उनसे कह कि हमारी जान खतरे में। तो बेटा डडोली अगर हमको कुछ हो जाए ना तो हमारी भाभी जी से कहना कि हम अंतिम समय में उनको ढो कर रहे थे। गोरिल्ला तो चतुर्वेदी अंकल को कच्चा खा जाएगा। योमैन को पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसे और तबाही मचाने से रोकना होगा, पर यहां से निकलूं कैसे? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।